अभी मैंने जैसा आपसे कहा कि अम्बेडकर जो मेरे नाम के उसके साथ सरनेम जुड़ा हुआ है, ये मेरा, मैं बाबा साहब अम्बेडकर से संबंधित बहुत सारे नाटक नाटिकाएं भी अपने इलाके में किया करता था स्टूडेंट लाइफ में, नाटक वगैरह हाँ मैं अम्बेडकर साहब के कराया करता था, जैसे शंभूबद्ध कई बार इलाके में कराया, साइमन कमीशन का और आदिवंश की कथाएं वगैरह ये मैं कराया करता था। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनवाना, जगह जगह स्टेचू भी लगवाया करता था, लोगों की इच्छा होती थी तो लोग मुझे मजाक में, मेरा मनोबल गिराने के लिए दूसरे लोग, पड़ोसी लोग मुझे मजाक में अम्बेडकर कहते थे कि देखिए दूसरा अम्बेडकर पैदा हुआ है, ये दूसरा संविधान लिखेगा, देखिए देश को कहाँ ले जाएगा, ये मजाक बनाते थे। जब वो बड़े पैमाने पर मजाक बन गई तो फिर हमने उसको अपना सरनेम बना लिया कि मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट का सिपाही हूँ, तो मुझे ये सरनेम लगा लेना चाहिए। और ये जाति सूचक भी नहीं है, जातिवाचक भी नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के संविधान निर्माता ही नहीं, उन्होंने और भी बहुत सारे इस देश के तरक्की के लिए, इसको विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारे काम किए, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परिकल्पना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, प्रॉब्लम ऑफ रूपी बाबा साहब अम्बेडकर ने थीसिस लिखी जो, तो उसके आधार पर ये हुआ। आप देखते हैं दामोदर वैली की परियोजना बाबा साहब से, आपके रिहंद बांध की परियोजना बाबा साहब अम्बेडकर की, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की परिकल्पना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, विधवा प्रसूति अवकाश की परिकल्पना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, मजदूर लोगों जिनसे 12-12, 16-16 घंटे काम दिया जाता था, मौत हो जाती थी, काम के घंटे फिक्स बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किए, 8 घंटे से ज़्यादा किसी से श्रम नहीं कराया जा सकता है, मेहनत और मजदूरी नहीं कराई जा सकती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश को जितना दिया है अब तक कोई इस पर नहीं दे सकता है, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मैं भारत रत्न नहीं बल्कि विश्व रत्न मानता हूँ। सारा विश्व वैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाता है, चाइना भी बाबा साहब डॉक्टर के अम्बेडकर को अब अपने यहाँ पढ़ा रही है। ये दुर्भाग्य है या बड़ी दुख की बात है कि भारत जैसे जातिवादी देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की शिक्षाओं का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हुआ, उनको सम्मान नहीं मिला, लेकिन जैसे जैसे इस देश का दलित पिछड़ा समाज शिक्षित होगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रासंगिकता दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। तो इसलिए मैं आवाम के लिए क्या संदेश है आपका? मेरा संदेश है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो परिकल्पना थी कि इस देश में हजारों बरस से लोग जानवर जैसी गुजरी जिंदगी जीने को मजबूर किए गए हैं रिलीजियस सोशल आर्डर के द्वारा, रिलीजियस आर्डर के द्वारा, सोशल आर्डर के द्वारा, तो भारतीय संविधान बनाकर बाबा साहब ने सबको समानता का अधिकार दिया, फंडामेंटल राइट्स दिए, और जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल ही मेन चीज संविधान की है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, जो आज भी 70 साल होने के बाद भी देश में अभी दलित समाज के लोग घोड़ी पर चढ़कर अपनी बरात नहीं ले जा सकते हैं। और इस देश का राष्ट्रपति अभी एक सप्ताह बीता हुआ है, इस देश का राष्ट्रपति जो स्वयं दलित समाज का है, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव किया, बनाया राष्ट्रपति, तो दलित 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 कहकर इतना शोर मचाया कि सारी दुनिया जान गई कि बहुत बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, जबकि इनसे पहले के आर नारायण, वो भी दलित समाज से ताल्लुक रखते थे, वो भी रह चुके हैं। तो जब इन्होंने अपने दलित को इस देश का राष्ट्रपति बनाया, और वो राष्ट्रपति चूंकि धार्मिक है, आरएसएस के हैं, चड्डीधारी हैं, काली टोपीधारी हैं, जब वो ब्रह्मा जी के मंदिर में अपने परिवार के साथ पूजा करने गए अपनी आस्था के अनुसार, तो वहाँ के पुजारी ने, वहाँ के पंडे ने इनको गेट के बाहर रोक दिया, कहा कि तुम भले ही देश के राष्ट्रपति हो लेकिन मंदिर में अंदर जाकर तुमको पूजा करने का अधिकार नहीं है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जिस देश में राष्ट्रपति सोशल आर्डर इतना पावरफुल है कि भारतीय संविधान जिसके सामने कुछ भी स्थान नहीं रखता है, तो ये मजाक इस सरकार में भारतीय संविधान के साथ हो रही है। संविधान सख्त खतरे में है। हम चाहते हैं कि इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत, जिसके सपना बाबा साहब का समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित, जब समता मूलक समाज की स्थापना हो जाएगी, निश्चित रूप से हम इस विश्व के गुरु कहलाएंगे। तो ये हमारा संदेश है। इस देश का बेरोजगार नौजवान, उसको रोजगार मिले, उसका एम्पावरमेंट हो, सामाजिक रूप से जो वो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है वो होना बंद हो जाए,
और सम्मानित महसूस करें निश्चित रूप से। और इस देश की जो आरक्षण व्यवस्था है, कवि कांसीराम साहब कहा करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वही बात आज हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि आबादी के अनुपात में सभी जाति के लोगों को इस देश के सभी संसाधनों में भागीदारी मिल जाए, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी और बहुत बड़े संकट से देश बच जाएगा। इसलिए सरकारी सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में सभी संस्थानों पर आबादी के अनुपात में रिजर्वेशन की प्रतिनिधित्व की व्यवस्था हो जाना चाहिए, ये हम संदेश देना चाहते हैं।